जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं या पूरे समूह का बोध कराते हैं उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और जो किसी विशेष नाम या स्थान के विशेष स्थान के विशेष वस्तु के नामों का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पर, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। तो यहाँ पे नदी का एक चित्र बनाया और नदी लिखा है, तो नदी हो गया जातिवाचक, क्योंकि नदियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन किसी खास नदी का नाम अगर लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। गंगा और यमुना यहाँ नदियों का नाम है, तो यहाँ गंगा यमुना व्यक्तिवाचक नदियां हैं और नदी जातिवाचक शब्द है। इसी तरीके से पेड़ जातिवाचक है, और पेड़ों के नाम जैसे आम, अमरूद, जामुन, बरगद, ये व्यक्तिवाचक है। लिखो, पढ़ो, खाली इसमें मीडियम वर्ड से देखना नहीं है, पेंसिल निकालो, प्रशांत राज, पेंसिल ओपन, पेंसिल निकालो, किताब सामने रखो, लिखो। इसी तरीके से आदमी है, आदमी यहाँ पे आदमी का चित्र बना है, आदमी लिखो, और उसमें आगे लिखो आदमी के नाम जैसे नरेंद्र कुमार, शिव, शिव शंकर, ये जो है तो यहाँ नरेंद्र कुमार और शिव शंकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि आदमी जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से लड़की जातिवाचक है, यहाँ पे गीता और सुनैना लड़कियों के नाम जो लिखे हैं वह व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से गांव का चित्र बना है, गांव लिखा है व्यक्तिवाचक जातिवाचक, और गांव का नाम शाहबाद और चेरकी अगर लिख देंगे तो हो गया व्यक्तिवाचक। देख के लिखना है बच्चों को। दिखाई दे रहा है? जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। चलो ये हो गया होगा पेज नंबर 7, अब आगे चलें। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पेंसिल और किताब रखो सामने, इरेजर, खाली खेलो मत। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छांट कर वाक्य पूरे करो। फिर संज्ञा शब्द छांटना है और वाक्यों को पूरा करना है। ऐश सदा कीचड़ में ही खिलता है, तो यहाँ पे कमल आ जाएगा, कमल सदा कीचड़ में ही खिलता है। फिर खा में लिखो, फूल के साथ कांटे भी होते हैं, यहाँ फूल संज्ञा शब्द है। राहुल ने गेंद ऊपर उछाली, गेंद संज्ञा है। भवन पर रोशनी की, भवन माने बिल्डिंग, भवन संज्ञा है। भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की, यहाँ सेना शब्द संज्ञा है। फिर मुझे लीची खाना अच्छा लगता है, लीची संज्ञा शब्द है, फल का नाम है। ये हम दिखा रहे हैं, फिर से देखना और लिखना पूरा। वर्ग पहली पे भी निशान लगाओ और उस पे भी लिखो भी, खाली स्थान भी पूरा करो और वर्ग पहली पे निशान लगाओ। चलो हो गया।
चलो बच्चे, पहले खाली स्थान में फूल आएगा, का में सॉरी का में कमल, खा में फूल, गा में गेंद, घा में भवन, और अंगा में सेना, और चा में लीची। सबको सुनाई दिया? जिसे सुनाई नहीं दिया वो हाथ उठाओ, सुनाई नहीं दिया वो हाथ उठाओ। नहीं सुनाई दिया? प्रशांत को सुनाई नहीं दिया? अब सुनाई दिया? प्रशांत फिर से बोल रहे हैं, का में लिखो कमल, खा में लिखो फूल, गा में लिखो गेंद, घा में लिखो भवन, अंगा में लिखो सेना, चा में लिखो लीची। हेलो, क्या भेजा? अच्छा अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, एडमिट ऑल कर लेते हैं। ठीक, फाइंड द पर्सन, एडमिट ऑल कर दें। केशवा भाई पटेल, अनन्या शर्मा और अंशराज। मैम मैम मैम, ये कौन इतना लिख रहा है? भव्या शर्मा कौन है? भव्या क्यों इतना लिख रही हूँ मैम मैम, क्या प्रॉब्लम क्या है? चलो केशवा भाई को अनम्यूट कर देते हैं। मैम ग में क्या बोली? ग में है गेंद। ओके मैम, ग में गेंद है, हमने तो अभी देखा है। घ में भवन है, अंगा में सेना है, और मुझे में, मुझे के बाद चा में लीची है। मुझे लीची खाना अच्छा लगता है। अंशराज भी आ गए हैं। चलो हो गया सबका, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। 18 बच्चे आए थे हमारे इसमें। इसमें देखो, नीचे दिए गए शब्दों के स्थान पर एक एक संज्ञा शब्द लिखो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि, अतिथि जो भारत में रहता हो भारतीय, जहाँ छात्र रहते हैं छात्रावास, नगर में रहने वाला नागरिक, एक माह में होने वाला मासिक। एक माह में होने वाला मासिक क्वेश्चन नंबर है 5। सभी बच्चे लिखेंगे संज्ञा शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि, जहाँ छात्र रहते, जो भारत का में रहता हो भारतीय, जहाँ छात्र रहते हो छात्रावास, नगर में रहने वाला नागरिक, एक माह में होने वाला मासिक। अतिथि, अतिथि, अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि, अतिथि।
ईशान समझ आया? जो जिसको यस बोलना हो वो इस तरीके से अपना करेंगे, इस तरीके से। ईशान समझ में आया? यस को आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। सबको अनम्यूट नहीं करेंगे, शोर होने लगता है। ठीक है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैं कुछ वाक्य बोलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या बोलना है आपको, क्या करना है आपको। ध्यान पूर्वक पढ़िए, लिखा हुआ भी है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मेरे आने के बाद तुम चले जाना, उन्हें देश देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वह दिन आया। अब यहाँ पे मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें और वह, यहाँ पे ये शब्द मोटे काले छपे हुए शब्द हैं। जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए। मोटे काले जो शब्द हैं वो है मैं, मुझे, पेज नंबर 9, मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह, मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह, ये जो शब्द हैं मोटे काले छपे हुए शब्द हैं, और ये जो हैं इनको कहते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उसका आदि। मैं, तुम, वह, उसका आदि। जैसे एक वाक्य बोल देते हैं राम घर जाता है, दूसरे वाक्य में बोला जा सकता है वह घर जाता है, तो राम के स्थान पर अगर वह लग गया तो वह सर्वनाम शब्द है। संज्ञा राम, राम संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम शब्द है। इसके बाद देखो सर्वनाम हम बता रहे थे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह। मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम शब्द। अब देखो हम जल्दी जल्दी भरवाएंगे, भरते जाना। एक दिन खुश होकर चिड़िया, पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए। फूल बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा मैं, फूल पहले वाले में फूल, दूसरे वाले में मैं एक फूल माली को दे दूंगी। मैं दूसरे खारिस्तान में उसने माली के साथ, माली के पास उड़ते उड़ते उसे एक बगीचा नजर आया। उसे उसमें भी सुंदर फूल खिले थे। खारिस्तान में उसमें आएगा। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। उनकी उसे माली नजर आया। तभी उसे माली नजर आया। वह माली के साथ पहुंची और पूछा आप कैसे हैं। माली के पास पहुंची और पूछा आप कैसे हैं। आप, मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। मैं और आपके भरोगे खाली स्थान में। उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। उसने और उसे। चलो ये है खाली स्थान। हुआ, यहाँ पे आपको एक खाली अनुच्छेद दिया है, उसमें खाली स्थान है, वहां संज्ञा शब्द लिखने हैं। पहले में फूल है, दूसरे में मैं है, तीसरे में उसे है,
चौथे में उसमें है, भरते जाओ, उनकी है, फिर उसे है, फिर वह है, फिर आप है, फिर मैं है, फिर आपके है, फिर उसने है, फिर उसे। लिखिए केशवाब है, लास्ट में है उसे, लास्ट में है उसे धन्यवाद दिया। अभी बच्चे जो आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में संज्ञा शब्द जो दी, संज्ञा शब्द से अनुच्छेद को पूरा करना है, उनके लिए फिर से बताया जा रहा है। पेज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7, पहली लाइन में फूल लिखना है, पहली लाइन में फूल लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 पहली लाइन में फूल, दूसरी लाइन में मैं और उसने, मैं और उसने, तीसरी लाइन में उसे और उसने, उसे और उसमें। हुआ के आर्यन कुमार, हुआ आर्यन कुमार? यस मैम। ठीक, चौथी लाइन में देखो, इसी क्वेश्चन में 7 में उनकी और उसे और वह, उनकी उसे और वह। फिर इसके बाद चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में आप, मैं और आपके, हम क्रम से बोल रहे हैं, पहले आप, फिर मैं, फिर आपके, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। फिर अंतिम पंक्ति में उसने और उसे, उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। अब ये देखो चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु माने अनुनासिक, और चंद्रबिंदु सॉरी चंद्रबिंदु और अनु बिंदु सब में अनुस्वार और अनुनासिक, यानी बिंदु और चंद्रबिंदु। अनुस्वार कहते हैं बिंदु को, अनुनासिक कहते हैं चंद्रबिंदु को। वो देखो, पूरा करो जल्दी, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करो। हुआ पूरा? करूंगा, रा के ऊपर चंद्रबिंदु, करूंगा, रा के ऊपर चंद्रबिंदु, स्वतंत्रता, ता के ऊपर बिंदु, ता के ऊपर बिंदु। हा के ऊपर बिंदु, फिर पहुंचा में हा के ऊपर बिंदु, पहुंचा हा के ऊपर बिंदु, संबंध सा और बा, सा और बा दोनों के ऊपर बिंदु, सा और बा दोनों के ऊपर बिंदु है। आशाएं ए के ऊपर चंद्र बिंदु, आशाएं ए के ऊपर चंद्र बिंदु, प्रारंभ रा के ऊपर चंद्र बिंदु, सॉरी बिंदु, रा के ऊपर बिंदु, प्रारंभ में रा के ऊपर बिंदु, गांधी, गांधी में गा के ऊपर चंद्र बिंदु, गांधी में गा के ऊपर चंद्र बिंदु, आंसू, आंसू में आ के ऊपर चंद्र बिंदु,
आंसू, आंसू में आ के ऊपर चंद्र बिंदु। करूंगा मैं रा के ऊपर चंद्र बिंदु, स्वतंत्रता में ता के ऊपर चंद्र बिंदु, ता के ऊपर पहुंचा में हा के ऊपर, स्वतंत्रता में ता के ऊपर बिंदु है केवल, सॉरी बिंदु है। करूंगा मैं रा के ऊपर चंद्र बिंदु, पहुंचा में हा के ऊपर चंद्र बिंदु, संबंध में बा और सा दोनों के ऊपर बिंदु, आशाएं में ए के ऊपर चंद्र बिंदु, प्रारंभ में रा के ऊपर बिंदु, गांधी में गा के ऊपर चंद्र बिंदु, आंसू में आ के ऊपर चंद्र बिंदु। सबका हुआ? हुआ ठीक है। आर्यन का क्यों नहीं हो रहा है? आर्यन अपनी बुक दिखाओ, कैमरा अपनी बुक की तरफ करो, देखे क्या लिखा है तुमने। चलो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, बहुत छोटा सा तो दिखा है। किताब स्कूल में ले आना, तब पूरा करवा, तब चेक करा जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 10, 1010 पे देखो। आपको बहुवचन रूप बनाना है। आंख का आंखें, आंखों, मेरी दोनों आंखों। शायद तुम लोगों ने लिख लिया होगा आंखों, आंख का आंखों, कहानी का कहानियां, राहुल की परीक्षा का परीक्षाएं, सभा का सभाएं, बच्चा का बच्चे। खाली स्थान में भर लो आंखों, मेरी दोनों आंखों में जलन हो रही है, नानी मुझे कहानियां सुनाती है, राहुल की परीक्षाएं चल रही हैं, राहुल की परीक्षाएं चल रही हैं, नेताजी ने अनेक जनसभाओं में भाषण दिए, सभाओं में भाषण दिए, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। खाली स्थान भरो।